बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के जो इस बार एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 12 के लिए, इंटरमीडिएट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आने की पूरी संभावना है बोर्ड में, तो लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको 5 नंबर का फायदा होगा। इसे ध्यान से समझो, अगर नहीं समझ में आए तो बिल्कुल पूछ सकते हो। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव आप लोग जानते हो बेटा कि ऐसी व्यवस्था जिसमें एक माइनस का क्यू और एक प्लस का क्यू आवेश दोनों बराबर और विपरीत होते हैं, जो एक दूसरे से बहुत ही अल्प दूरी पर रखे होते हैं, उसे कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। जैसे कि ये 2L दूरी पर रखे हुए हैं, 2L जो दूरी है इनके बीच की बहुत ही न्यूनतम दूरी है, इसीलिए इस व्यवस्था को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं इन दोनों में से कोई एक आवेश और इनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और इसका मात्रक यहीं से हम बता सकते हैं, कूलाम और मीटर, तो कूलाम इंटू मीटर यानी कि सीएम जिसे कह सकते हैं हम शॉर्टकट में, कूलाम इंटू मीटर इसका मात्रक होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस द्विध्रुव के कारण हमें निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त ज्ञात करनी है। तो बेटा एक होता है अक्षीय स्थिति, जिसका मैंने पहले वीडियो बनाया है, आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा है निरक्षीय स्थिति, मैंने उस समय भी बताया होगा अक्षीय का मतलब क्या है और निरक्षीय का मतलब क्या है। इसको क्यों बोलेंगे निरक्ष और उसको क्यों बोलेंगे अक्षीय स्थिति, इसको निरक्षीय क्यों बोल रहे हैं, इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि हमारे द्विध्रुव का जो अक्ष है वो ये लाइन है, ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाएगी। अगर इसी लाइन पर या तो इस तरफ लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कहीं भी कोई बिंदु दिया हो और हमें तीव्रता पूछी हो, तो ये इसी लाइन पर है, इसी की अक्ष पर है, तो ये पॉइंट हमारे कहलाएंगे अक्षीय स्थिति। और इस लाइन से ऊपर हो कोई पॉइंट या नीचे हो, जहां पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी हो, ऊपर या नीचे कहीं भी हो, इस लाइन से दूरी पर हो कुछ, तो वो कहलाएगा निरक्ष, क्योंकि वो अक्ष पर ना होके कहीं दूर है, इसीलिए वो निर और अक्ष कहलाएगा, यानी कि अक्ष पर जो बिंदु नहीं है वो निरक्षीय कहलाएगा, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया निरक्षीय स्थिति। इसके लिए हम लिखेंगे कि एक माना कोई द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक के है, ए बी के बीच की दूरी 2L होती है, इसका मध्य बिंदु ओ है, और ए से ओ के बीच की दूरी एल और ओ से बी के बीच की दूरी एल, क्योंकि 2L है तो आधी आधी बट जाएगी, एल एल दोनों भागों में बट जाएगी। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण हम तीव्रता निकाल सकते हैं, तो पता होना चाहिए माइनस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा किस तरफ होती है और प्लस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा किस तरफ होती है। तो तुम लोगों को पता है, मैंने बताया था कि अगर प्लस प्लस आते हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और माइनस माइनस आते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो इसी वजह से माइनस के कारण तीव्रता की दिशा अंदर की ओर होगी और प्लस क्यू के कारण तीव्रता की दिशा बाहर की ओर होगी। तो हम यहाँ बिंदु ए पर ये माइनस का क्यू आवेश है, इसे मान लेते हैं कि इसके कारण जो तीव्रता आएगी वो ई वन आएगी, तो यहाँ बिंदु पी ये रहा, अब बिंदु पी ये रहा, क्यू के कारण बिंदु पी पर तीव्रता की दिशा निकालनी है, तो बिंदु पी के बाहर की ओर होगी या अंदर की ओर, बाहर तो हो नहीं सकती क्योंकि माइनस आकर्षित करता है प्लस को, इस वजह से इसकी तीव्रता की दिशा आ जाएगी इसकी ओर, यानी कि ये हो गया ई वन। इसी प्रकार से जब प्लस क्यू आवेश के कारण बात करेंगे तो इस बिंदु पी पर बाहर की ओर चली जाएगी तीव्रता, प्लस के कारण बाहर की ओर, तो इधर आ गई हमारी ई टू। ये तुम लोगों की समझ में आ गया, जहां तक समझता हूं आ गया होगा, अगर नहीं आए तो पूछ सकते हो, कमेंट में पूछ लेना बेटा। आगे बढ़ते हैं। ये E1 और E2 पिछले डेरिवेशन में एकदम इजी था कि E1 हमारा इस तरफ आ गया था और E2 हमारा उस तरफ आ गया था, दोनों विपरीत दिशा में हो गए थे, तो हमने परिणामी तीव्रता आसानी से निकाल ली थी, E1 माइनस E2 करके या E2 माइनस E1 बड़े में से छोटा घटा दो, आसानी से आ गई। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, यहां एक इस तरफ है एक इस तरफ है, दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बन रहा है, तो इस समय वेक्टर योग लगाना पड़ेगा, इस तरीके से नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से एक लाइन ड्रॉ की। अब यहां देखेंगे कि माना ये थीटा डिग्री के एंगल पर जा रही थी ये लाइन,
ए से पी को मिलाने वाली रेखा कितने एंगल पर है? थीटा डिग्री पर, क्योंकि ये दोनों लाइन, ये दोनों की लंबाइयां बराबर होंगी, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय से ए ओ पी में ये वैल्यू निकल के आएगी कर्ण, इसीलिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ये वाली निकल के आएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये त्रिभुज हम ले लेंगे ए ओ पी में, इस भुजा का स्क्वायर बराबर इस भुजा का स्क्वायर प्लस इस भुजा का स्क्वायर, तो ये आ गया। इन दोनों की लंबाइयां बराबर है, इसीलिए इन दोनों के थीटा एंगल भी बराबर होंगे। ये जो कोण है ये एकांतर कोण बन जाएगा यहां पर, ये एकदम जेड की शेप में बन रहा है। अगर इस तरीके से कोई शेप आती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे करके शेप आ जाएगी तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं, ये मैथ का नियम है, तो मैथ में पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहां बन जाएगा यही थीटा एंगल ऐसे। दूसरा मैथ का एक नियम आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम इस तरीके से एक लाइन खींचे और उस पर सीधी सीधी लाइन खींचते चले ऐसे ऐसे, तो जो थीटा यहां होता है वही थीटा यहां होता है, और वही थीटा यहां होता है वही थीटा यहां होता है। कैसे भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं सब में थीटा कैसे होंगे, समान होंगे। तो जो थीटा यहां पर है इसी प्रकार से यहां लाइन खींचे तो वही थीटा यहां पर बन जाएगा ई टू के लिए। अब हमारे पास तीव्रता ई वन और ई टू आ चुकी है, जिनके क्षैतिज से थीटा कोण भी आ चुके हैं, तो हमें तीव्रता निकालनी है। इसके लिए हम इसके घटक करेंगे एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर। तो ई वन की दिशा नीचे की ओर है, जिस भुजा पे थीटा रखा होता है उसे कहते हैं कॉस, तो इस तरफ आ जाएगा ई वन कॉस थीटा, और नीचे की ओर दिशा है तो इसके लंबवत डायरेक्शन में कौन होगा, लंबवत दिशा में कौन होगा, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर ई वन साइन थीटा, कौन होगा ई वन साइन थीटा। अब ऊपर वाले की बात करते हैं, तो ई टू ऊपर की दिशा में है, इसी भुजा पे थीटा रखा है तो ई टू हमारा इसी तरफ आएगा ई टू कॉस थीटा, और ई टू की डायरेक्शन ऊपर है तो इसका ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि साइन थीटा ऊपर पहुंच जाएगा ई टू साइन थीटा। यहां से ये समझ में आया ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, अब हम इसको सॉल्व करेंगे ई वन और ई टू। यहां हम पहले की तरह बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला वही रहेगा 1/4πε0 के माध्यम है, माध्यम का परावैद्युतांक है, q अपॉन माइनस का है तो यहाँ पर सदिश राशि, इसीलिए माइनस का चिन्ह नहीं लेंगे, केवल उसकी वैल्यू लेंगे, परिमाण लेंगे। q अपॉन r स्क्वायर होता था, अब r की जगह क्या है, a से p की दूरी कितनी है, अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, जो हमने पाइथागोरस प्रमेय से निकाली है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा और ये बन जाएगा ई वन बराबर 1/4πε0 क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये माइनस क्यू के कारण तीव्रता आ गई। इसी प्रकार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे, प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई टू बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेम रहेगी, क्योंकि ये कर्ण वाली भुजा है दोनों में बराबर थी इसीलिए बराबर रहेगी। तो यहां से पता चल रहा है हमें कि E1 और E2 के मान कैसे हैं, बराबर हैं। E1 E2 के मान कैसे हैं, बराबर हैं। और अभी मैंने आप लोगों को बताया E1 sin theta नीचे की ओर है और E2 sin theta ऊपर की ओर है। E1 E2 आपस में बराबर, sin theta आपस में बराबर, तो ये परस्पर बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये इसे खत्म कर देगा, ये इसे खत्म कर देगा, ये कैंसिल हो चुके हैं, तो बची तीव्रता केवल इस दिशा में आ जाएगी, ई वन कॉस थीटा और ई टू कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे। इसी लाइन को हम हिंदी में लिख देंगे, यहां पर लिखा है मैंने, क्योंकि ई वन एंड ई टू के मान बराबर किंतु दिशाएं भिन्न हैं, यानी कि विपरीत हैं, तब ए बी के लंबवत व समांतर घटकों में वियोजन करने पर, जब हम इसका वियोजन करेंगे तो ई वन साइन थीटा और ई टू साइन थीटा
बराबर और विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और E1 cos theta, E2 cos theta एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे, तो कुल तीव्रता आ जाएगी E बराबर E1 प्लस E2 cos theta, cos theta दोनों में से कॉमन हो गया। अब E1 की वैल्यू 1/4πε0Q/R L² + R² cos theta प्लस 1/4πε0Q/R² + L² इसका भी cos theta, यहां अलग अलग लिख दिया है, ऊपर कॉमन था तो यहां भी cos theta आ जाएगा, अलग अलग लिख दिया है। तो यहां से हो जाएंगे ये और ये मिलके कितने हो जाएंगे, दो, जैसे x और x मिलके कितने हो जाते हैं 2x, ऐसे ही ये पूरा मिलके हो जाएगा 2। तो 1/4πε0Q/R² + L² × 2 cos थीटा, जो 2 आया था वो 2 ये रहा 2 cos थीटा। यहां से अब हम cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा की वैल्यू कैसे आएगी देखो, थोड़ा सा साफ त्रिभुज बनाते हैं, यहां पर ये थीटा था हमारा, ये बिंदु वो था, ये ए है और ये बी है, ये वाली भुजा एल है, ये एल है और ये वाली आर है। तो cos थीटा बराबर त्रिभुज ओ ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में, त्रिभुज ए ओ पी में cos थीटा बराबर, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण, आधार क्या है L, बटे कर्ण क्या है ये वाली भुजा R² + L² R² + L² तो यहां पर हो जाएगा, यहां से आधार L बटे अंडरूट में R² + L² ये वैल्यू आ गई। इसको हम cos थीटा की जगह रख देंगे डेरिवेशन में, यहां रखेंगे 2Q cos थीटा की जगह ये आ गई L अपॉन अंडर रूट में L² + R² का होल स्क्वायर, अंडर रूट में L² + R² है, तो इस अंडर रूट को किसी की पावर 1/2 बोलते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं L² + R² की पावर 1/2, इस अंडर रूट को पावर 1/2 बोल सकते हैं, तो इसी तरह हमने यहाँ पे लिख दिया पावर को 1/2। सॉरी, E बराबर 1/4πε0 के ये 2Q और ये वाला L मिलके क्या बन जाएंगे 2QL, यहां पर पावर 1 है, यहां पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 3/2 हो जाएगा, अगर ऐड करेंगे 1 + 1/2 ऐड करेंगे तो 1 ½ हो जाएगा 3/2, सीधा सीधा पावर कितनी हो गई 3/2। अब हम जानते हैं कि बीच की दूरी जो 2L थी वो बहुत ही अल्प दूरी थी, उसका आधा और भी अल्प हो जाएगा, 2L का आधा L और अल्प हो जाएगा, और अल्प दूरी अल्प संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो और ज्यादा छोटा आ जाएगा, और ज्यादा छोटा आएगा, इस वजह से ये बड़ी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो बड़ी संख्या और बड़ी हो जाती है। पिछले डेरिवेशन में मैंने बताया था कि अगर 0.01 का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा आएगा, 0.0001 आएगा, जबकि 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 का हो जाएगा 100, 100 के सामने ये वाला स्क्वायर कितना छोटा है, तो बड़ी संख्या का स्क्वायर करने पर और बड़ा आता है, छोटी का स्क्वायर करने पर और ज्यादा छोटा आता है, तो बड़ी संख्या के स्क्वायर के सामने छोटी संख्या के स्क्वायर को हम नगण्य मान सकते हैं। नगण्य का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू से हमारी बड़ी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस वजह से हम इसको छोड़ सकते हैं, जब प्रभाव ही नहीं पड़ेगा तो बिल्कुल छोड़ सकते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ कि L वेरी वेरी लेस देन टू R, तो L² वेरी 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 लेस देन टू R² देन, तो L² को नगण्य मानने पर, जब L² को छोड़ देंगे तो अकेला R² बचेगा, R² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर अकेला P हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं P बराबर 2QL फॉर्मूला होता है, P = 2QL, तो ये 2QL क्या बन गया, P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, यहाँ ये बताया, ये रहा, ये बताया P बराबर 2QL। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो P की जगह क्या हो गया, 2QL की जगह P हो गया, नीचे RQ हो गया, ये K है, K परावैद्युतांक होता है माध्यम का, तो यहां पर अगर वायु अथवा निर्वात होती है तो उसके लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो इसीलिए हम यहां पर K बराबर 1 कर देंगे और फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0P/RQ, इसका मात्रक न्यूटन पर कूलाम, और इसकी दिशा किस तरफ आएगी, दिशा किस तरफ आएगी, वैद्युत द्विध्रुव की,
इस तीव्रता की दिशा किस तरफ आएगी? तो इस तीव्रता की दिशा, कुछ नहीं करना है, चित्र को देखना है, आसानी से बता पाएंगे। E1, E2 साइन थीटा कैंसिल हो गए थे, ये दोनों तो खत्म हो गए, अब बचा क्या? कॉस थीटा बचे, दोनों कॉस थीटा किस तरफ है? इस तरफ है, तो दिशा किस तरफ हो गई? दिशा ऐसे हो गई त्रिभुज में, इस तरह से, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर, राइट से लेफ्ट की ओर। और नीचे आके देखें तो राइट से लेफ्ट की ओर जाने पर प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, देखें प्लस क्यू से माइनस क्यू पे जा रहे हैं, राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं, तो द्विध्रुव के अकॉर्डिंग। तो इसमें दिशा हो जाएगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? दिशा हो जाएगी धन से ऋण की ओर। ये डेरिवेशन पूरा हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसे अच्छी तरह तैयार कर ले बच्चे।